तो वहीं कांग्रेस द्वारा एनआरसी और कैब को लेकर किए जा रहे विरोध पर पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बिना सोचे समझे बोलना आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की भावना नागरिकता देने की है, नागरिकता समाप्त करने की नहीं है। भावना को सोचे समझे बिना बोलना मैं समझता हूं ये आपत्तिजनक है। उसकी भावना नागरिकता देने की है, नागरिकता समाप्त करने की नहीं है। कांग्रेस के लोग पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के अंदर विवाद पैदा करने की स्थिति कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो अच्छी नहीं है। संगठन के मुखिया होने के नाते माननीय कमलनाथ जी को सोचना चाहिए और बताना भी चाहिए, कहना भी चाहिए कि वो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ है या देश जोड़ने वाली ताकतों के साथ है।